हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और ये मेरा आर प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि अगर सपोज डेट आपको डेटा मिसिंग पे काम करना है, जैसे कई बार हम कुछ डेटा लेते हैं पर उसमें कुछ मिसिंग रहता है, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, या आप बोल सकते हैं डेटा मिसिंग को या मिसिंग डेटा को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो जैसे मैं आपको दिखला रहा हूँ, यहाँ पर एक डेटा 1 ले रहा हूँ, डेटा 1 वेक्टर बना रहा हूँ जिसपे मैं कुछ डेटा डाल रहा हूँ, और यहाँ पर कुछ डेटा ऐसे हैं मेरे पास जो मिसिंग है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एन ए लिख रहे हैं, या एन ए का मतलब होता है कि यहाँ पर डेटा मिस है, मेरे पास इसका डेटा नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे सपोज डेट आप स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा ले रहे हैं, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट के मार्क्स आपके पास नहीं हो क्योंकि वो एग्जाम में अब्सेंट थे, तो इसका मतलब वो बच्चे नहीं एग्जाम दिए हैं, तो आप वहाँ 0 नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि 0 उस बच्चे का भी मार्क्स आ सकता है जिसने एग्जाम तो दिया था पर उसके मार्क्स 0 आए हैं। पर अगर आप एनए लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस बच्चे ने एग्जाम दिया ही नहीं। और आपको कई ऐसे रियल लाइफ, जब आप एग्जाम देते हैं या जब एग्जाम से रिलेटेड कुछ करते हैं, तो आप देखते होंगे जो अब्सेंट्स होते हैं, जो अब्सेंट होते हैं वहां पर या तो ए बी लिखा होता है या और कुछ लिखा होता है जो अपने नोटेशंस होते हैं। तो यहाँ पर भी यहाँ एन ए उसी को यहाँ पर बोला गया है। अब सपोज दैट कि आपको देखना है कि हमारे जो डेटा है उसमें एन ए कितने जगह हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इज डॉट एन ए। इज डॉट एन ए बोलता है कि आपके डेटा में कहाँ कहाँ पर डेटा मिसिंग है। तो जब आप इसको चेक करते हैं इज डॉट एन ए मेथड या फंक्शन से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जहां जहां डेटा मिसिंग है वहां पर आपके ट्रू आए हैं, और जहां डेटा है वहां पर फॉल्स आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6th एंड 7th जो वैल्यूज है वो एन ए है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6 और 7 में यहाँ पर ट्रू आ रहा है। तो इस तरीके से आप, अब प्रॉब्लम क्या है, सपोज डेट आप इस डेटा पे मीन निकालना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगा। जैसे आपने मीन निकाला तो यहाँ पर एन ए आ रहा है, क्योंकि ये आपको मीन नहीं निकाल सकता, क्योंकि मीन तभी निकलेगा जब सारे वैल्यूज आपस में ऐड होंगे, और ऐड तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि आपको सारा वैल्यू नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पर 2 NA है, इसलिए आप मीन नहीं निकाल सकते हैं। पर आपको लगता है नहीं, मेरे पास जो डेटा है उसमें चाहे वो मिसिंग हो चाहे हो, पर मुझे उस डेटा का मीन निकालना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा NA.RM=true। तो जैसे ही आप NA.RM=true करेंगे, तो जितने भी NA हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और केवल उन्हीं डेटा का मीन निकलेगा जो इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बाकी जो बचे डेटा थे उनका ये मीन निकाल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करो तो 78 plus 90, 168 and 573, 177, 178 and 5, 183, और यहाँ 83 divided by 9। तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, अगर देखें 3 4 5 6 9, तो यहाँ पर 183 divided by 9 क्या आ रहा है, 20.3। इसका मतलब ये है कि ये जो मीन निकाल रहा है केवल और केवल जो आपके डेटा अवेलेबल है उसी पे निकाल रहा है। That means 183 divided by 7। तो यहाँ पर आप रिजल्ट आप देख रहे हैं, तो जो एन था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरीके से जो है आप जो है मिसिंग डेटा पे काम करेंगे, और मिसिंग डेटा को कैसे यूज करेंगे, और आपके पास डेटा अगर मिसिंग है तो उसकी जगह आप क्या लिखेंगे। तो अगर आपके पास डेटा अगर मिसिंग है तो आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़े, उसको 0 ना लिखें, उसको उसके ऊपर आप लिखें एन ए, जो कि आर प्रोग्रामिंग का एक कीवर्ड है, जो एनए लिखने पे आर प्रोग्रामिंग को पता चल जाता है कि यहाँ पर डेटा मिसिंग है। क्योंकि जब आप रियल टाइम में डेटा एनालिसिस आप करोगे, तो बहुत सारे ऐसे आपको डेटा मिलेंगे जहां पर जो डेटा होगा वो मिसिंग होगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए, आई होप कि आपके वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें। अभी भी कोई डाउट है मिसिंग डेटा के ऊपर तो कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया, और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।